बहुत ही प्यारा लोकेशन है और स्टेकेशन के लिए तो परफेक्ट है। इस खूबसूरत लोकेशन की यहाँ पे हमने स्टे किया। और इसे क्या बोलते हैं? धारा, धारा, थाड़ा, धा, था, धा, था, थाड़ा। This forest we known as the untouchable forest. नमस्कार, मैं हूँ जुगश्री। हमारा मेघालय ट्रिप के आज के एपिसोड में हम घूमेंगे शिलोंग के लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स। हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट हम पहुँच चुके हैं, ये है माफलंग फॉरेस्ट। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है माफलंग फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट शिलोंग के पुलिस बाजार से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोगों ने आज का जर्नी स्टार्ट किया है शिलोंग के पुलिस बाजार से। इसके बाद हम जाएंगे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स जो शिलोंग के आसपास ही है। और अगर आप लोग लेटलुम कैनियन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे मेघालय ट्रिप के एपिसोड 1 में हम लोग लेटलुम कैनियन गए थे। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारे एपिसोड्स, मतलब मेघालय ट्रिप के सारे एपिसोड्स के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं। टैक्सी फेयर का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सेक्रेट फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए यहाँ पे लोकल टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड करते हैं जो हमें अंदर तक ले जाएंगे और फॉरेस्ट के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते थे पहले, तो वो जगह भी हमें दिखाएंगे और कुछ मेडिसिनल प्लांट, मतलब यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो भी दिखाएंगे। तो अब हम जाते हैं, वो है एंट्रेंस। और इस ग्रुप में 3 पार्ट्स है, 1, 2 और 3। ओनली द सेकेंड पार्ट इज एक्सेसिबल फॉर द टूरिस्ट, 1 पार्ट और 3 पार्ट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द टूरिस्ट। सो अभी हम ये सेकेंड पार्ट में जाएंगे। मेघालय कैसे पहुंचे? मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग के मेन सेंटर पुलिस बाजार पहुंचने के लिए आप लोग शिलोंग एयरपोर्ट आके वहां से टैक्सी ले सकते हैं या फिर असम की गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच के वहां से भी टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच के वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं। ISBT गुवाहाटी से शिलोंग के लिए बसेस मिल जाते हैं। गुवाहाटी के पल्टन बाजार और खानापारा से शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाते हैं। सुबह के करीब 9:30 बजे हम लोग शिलोंग के पुलिस बाजार से निकले माफलंग के लिए। ये है माफलंग सेक्रेट ग्रुप के एंट्री गेट। हमने टिकट ले लिया, अब चलते हैं फॉरेस्ट में। वहाँ पे है पार्किंग एरिया और वहाँ से ही एक गाइड हमें ले जाएंगे सेक्रेट ग्रुप के अंदर। हम पहुँच चुके हैं पार्किंग एरिया, तो चलिए फॉरेस्ट में चलते हैं। अभी मैं हूँ माफलंग सेक्रेट ग्रुप के बाहर। ये है स्कैम, हमारे ट्रेवल गाइड। ये हमें माफलंग फॉरेस्ट घुमाएंगे अभी। ओके, सो दिस फॉरेस्ट इज अ वेरी वेरी ओल्ड सेक्रेट फॉरेस्ट मेघालय। But this forest is protected by the local deity, Labasa. Labasa is the god of the forest. So this forest we known as the untouchable forest. Untouchable forest, it does not mean you cannot touch the tree, you cannot touch the leaf. It means that you cannot take or pluck anything from the forest. Those person who break the rule, God will punish the person. Not only the outsider, even local people. Local people here, we do the same. We don't take or pluck anything from the forest. So this forest we call as the holy temple for the Khasi people. The Khasi people in the old time, they used to perform the ritual inside the forest. So any one of you, if you want to visit this place, you come visit. So this is a very, very nice place. ये है माफलंग सेक्रेट फॉरेस्ट। माओ मतलब स्टोन और फ्लंग मतलब ग्रास। हमारे गाइड स्कैम ने हमें यहाँ पे मौजूद मेडिसिनल प्लांट्स दिखाए और इस फॉरेस्ट के हिस्ट्री के बारे में भी बताया। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े और पुराने पेड़ है। अंदर चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। In the line you will know the mukhi of Rudraksha. In this line, see in this line 1, 2, 3. In the line you will know the mukhi. In this line 1, 2, 3. Three line only for mukhi. We call mukhi mean in the line. You call mukhi. Mostly inside the real Rudraksha, inside there is the badam or almond. The badam or almond mostly is the powerful of the Rudraksha. Mostly in the real Rudraksha also, if you want to wear, you should not drill of the real Rudraksha. वो जो गिरा हुआ पेड़ है वो बहुत ही पुरानी पेड़ है। निचले हिस्से में टर्माइट्स के खाने की वजह से वो पेड़ गिर गया।
मिस्टर स्कैम ने हमारे ये खूबसूरत फोटोग्राफ्स खींच दिए। क्या आप लोगों को ये फोटोग्राफ्स अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। These are orange and blue mushrooms which glow at night. बहुत ही पीसफुल टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फॉरेस्ट से बाहर आए। अब हम जा रहे हैं खासी हेरिटेज विलेज में, जो पार्किंग एरिया के बिल्कुल पास ही है। तो अभी मैं हूँ खासी हेरिटेज विलेज में। ये एक मॉडल विलेज है। एक खासी विलेज का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक खासी विलेज में जिस तरह के घर होते हैं, यहाँ पे कुछ मोनोलिथ्स भी है। वो रहा माफलन सेक्रेट फॉरेस्ट। अब हम आज के सेकेंड टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। आज का सेकेंड स्पॉट एलिफेंट फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। ये है एलिफेंट फॉल्स की रोड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हमारे साथ बने रहिए और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हम विजिट करेंगे। ये है एलिफेंट फॉल्स का एंट्री फी। ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी है। यहाँ पे खासी ट्रेडिशनल अटायर पहन के फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल का तीन तरह की व्यू एंजॉय कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये है वाटरफॉल की फर्स्ट लेवल का व्यू। यहाँ तक आने के लिए कुछ ही स्टेप्स है और इसके बाद हम लोग सेकंड व्यू और थर्ड व्यू के लिए नीचे जाएंगे। वाटरफॉल की फर्स्ट व्यू तो आसानी से देख सकते हैं, ज़रा स्टेप्स नहीं है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड व्यू है वहाँ तक कुछ स्टेप्स नीचे उतर कर आने होता है, तो मैं दिखाती जाऊँगी। ये है वाटरफॉल की सेकेंड लेवल की व्यू। अब हम थर्ड लेवल की व्यू देखने के लिए वहाँ तक जाएंगे। तो वाटरफॉल के लेवल थ्री देखने के लिए हम स्टेप से नीचे जा रहे हैं अभी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ एलिफेंट फॉल्स। ये है थर्ड लेवल का व्यू। जो फर्स्ट लेवल का व्यू होता है उसका लिए ज़्यादा ट्रैक नहीं करना पड़ता है, थोड़ा ही स्टेप से। लेकिन जो सेकंड व्यू है और जो थर्ड लेवल का व्यू है उसके लिए थोड़े ट्रैक करके नीचे आना पड़ता है, पर स्टेप्स बना हुआ है। पर यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहले यहाँ पे एक एलिफेंट शेप का रॉक था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस वाटरफॉल का नाम एलिफेंट फॉल्स रखा। हालांकि 1897 की अर्थक्वेक में वो रॉक डिस्ट्रॉय हो गया। खासी लैंग्वेज में इस वाटरफॉल का नाम है काकुसाइट लाई पटेंग, जिसका मतलब है वाटरफॉल विथ थ्री लेवल्स। भूख लग रहा था इसलिए बाहर आके थोड़ा चाउमीन खा लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की तरफ। तो
शिलोंग पीक तक पहुंचने के लिए एयरफोर्स स्टेशन के बीच से जाना पड़ता है, इसलिए सभी गाड़ियों को एंट्री नहीं देते। इसलिए यहाँ से मतलब एंट्री गेट से थोड़ा आगे ही आप लोगों को टैक्सीस मिल जाएगा। 150 रुपीज़ फेयर है, मतलब 100 रुपीज़ टैक्सी फेयर और 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी देकर आप लोग यहाँ से टैक्सी लेकर अंडर पीक तक जा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी वेडनेसडे द एंट्री इज़ क्लोज्ड। एयरफोर्स स्टेशन के एंट्री गेट से पिक तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, लेकिन पिक पर जाने के बाद आप लोग वहाँ पे फोटो या वीडियो ले सकते हैं। कुछ टैक्सियों पे ऐसे स्टिकर्स होते हैं शिलोंग पिक व्यू पॉइंट, ऐसे टैक्सियों को ही अंदर जाना अलाउड है। ये है एंट्री गेट, हम लोग पहुँच चुके हैं शिलोंग पिक। एंट्री गेट से यहाँ तक करीब 5 मिनट का ड्राइव था। तो हम पहुंच चुके हैं आज के थर्ड टूरिस्ट स्पॉट शिलोंग पीक। अब हम वहां पे जाएंगे और शिलोंग का व्यू एंजॉय करेंगे। यहां पे बहुत सारी दुकानें हैं खाने की और गिफ्ट आइटम्स की भी, तो अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ से शिलोंग सिटी का व्यू आता है पूरा, देखिए। अभी तो बहुत ज्यादा फॉग है इसलिए व्यू इतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आ गए तो खासी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के देखती हूँ। इसका नाम क्या है? जानपिन। जानपिन जानपिन। और इसे क्या बोलते हैं? धारा। थाड़ा। धा था धा था थाड़ा। ये ज्वेलरी का कुछ नाम है? हाँ जी, ये किंजरी, ये पाइला। ये किंजरी और ये पाइला। पाइला चबाना चबका बन खात रंगे से लौनी से उ न से रंग दे। इट्स लाइक एसमिस गम खाड़ो। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? खादो। हाँ, हम लोग गम खाड़ो बोलते। इसका क्या नाम है? पंसनियर। हाँ पंसनियर। पांच नियर। ओके थैंक यू। सो हियर आई एम विद दिस ट्रेडिशनल खासी अटायर। कैसे लग रही हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हम अगले टूरिस्ट स्पॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए। हमने जहाँ से गाड़ी ली थी पिक के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोकल फ्रूट्स मिलता है। एसमिस में इसे कॉर्न बोगोड़ी कहते हैं, आप लोगों के लैंग्वेज में क्या कहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो शिलोंग के टाउन एरिया में है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था।
वॉर्ड्स लेक शिलोंग की एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। लेक के एंट्री टिकट के प्राइस और टाइमिंग्स यहाँ पे है। तो अब हम पहुँच चुके हैं वॉर्ड्स लेक, ये पुलिस बाजार से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए अब घूमते हैं। यहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे है बोटिंग की फैसिलिटी। हर साल विंटर के टाइम जब चेरी ब्लॉसम होता है, इस जगह की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिड नवंबर के आसपास चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे। ये प्लास्टिक फ्री जोन है, यहाँ पे प्लास्टिक वाटर बॉटल्स भी नहीं ले जा सकते। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन शिलोंग। यहाँ पे है बोट राइड की टिकट प्राइसेस। यहाँ से बोट हायर करके वॉर्ड्स लेक पे बोट राइड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। हमारा मेघालय ट्रिप के दूसरे एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट। अब हम यहाँ से जाएंगे शिलोंग के मेन पॉइंट पुलिस बाजार में। तो चलिए, वॉर्ड्स लेक में ये कैंटीन है जहाँ से आप लोग लेक व्यू एंजॉय करते हुए खाना खा सकते हैं। चलिए अब जाते हैं पुलिस बाजार में। तो हम पहुंच चुके हैं शिलोंग के मेन सेंटर पॉइंट पुलिस बाजार में। उस साइड में है टैक्सी स्टैंड और अब हम पुलिस बाजार की मार्केट घूमेंगे। ये है शिलोंग की मेन पॉइंट पुलिस बाजार। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं एक बैग खरीदने, क्योंकि हमारा जो लगेज है वो 30 kg ऑलरेडी हो चुका है, तो कल एयरपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग एक हैंड बैग खरीद लेते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक लाइट वेट हैंड बैग खरीद लिया। यहाँ पे ज़्यादातर कपड़ों की दुकान, जूतों की दुकान और बैगों की दुकान ही दिखाई दे रहा है, और कुछ गिफ्ट शॉप्स भी है, पर भीड़ बहुत है। यहाँ पे खासी एम्पोरियम है, यहाँ से आप लोग गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक लेन है जहाँ दोनों तरफ आप लोगों को स्ट्रीट फूड्स भी मिलेगा। ये है दिल्ली मिष्ठान भंडार, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। हमने खाया पापड़ी चाट और रसमलाई। तो अब पुलिस बाजार से जाते हैं होटल। हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वो भी पुलिस बाजार में ही है, तो मैं आप लोगों को वो होटल दिखाती हूँ और हमारा रूम भी दिखाती हूँ। चलिए, ये है होटल इंडियाना। डिसेंट सा रूम है और हमारा स्टे काफी कंफर्टेबल रहा। ये है वॉशरूम, वॉशरूम साफ था। यहाँ पे हॉट वाटर प्रोविजन भी है। यहाँ पे एक छोटा सा बेल्कनी है। आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।
अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और नई जगह में, तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।